प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतक में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिख विरोधी दंगे के लिए कांग्रेस के छोटे बड़े नेता जिम्मेवार हैं। साथ ही पीएम मोदी ने प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला। आतंकवाद के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और इसके लिए भी उन्हें जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि आपको कांग्रेस और उसके साथियों से सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस ने 70 साल तक देश कैसे चलाया है, उसका दिमाग कैसे चलता है, उनकी खोपड़ी में कैसा अहंकार भरा है, यह कल केवल 3 शब्दों में उन्होंने खुद ही समेट दिया। अपनी सरकार का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीते 5 साल में भारत ने जो कुछ हासिल किया उसका श्रेय आपको और आपके एक वोट को जाता है। यह आपके वोट की ताकत है। अगर आपने 2014 में दिल्ली में एक मजबूत और ईमानदार सरकार न बनाई होती तो यह सब संभव नहीं होता। रक्षा के लिए हर पल तैयार रहने वाले, मिट्टी से सोना उगाकर देश का पेट भरने वाले, खेल के मैदान में भारत को गौरव दिलाने वाले हरियाणा के और रोहतक के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। धरती जो संस्कार देती है, ऐसी पवित्र भूमि को भी मेरा कोटि कोटि वंदन। धरती ने सर छोटूराम और सद्धेय मंगल सेन जैसा नेतृत्व देश को दिया है। इन महान विभूतियों को और देश के लिए बलिदान देने वाले हर शहीद को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।